अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो डायरेक्ट हम उसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है जी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कि नाम से जाहिर है ये रिप्रोडक्शन की ही टाइप है। ठीक है जी, जिसमें ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व। ठीक है जी, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व एट अ टाइम, सिर्फ एक पेरेंट होगा। ठीक है जी, एक ही होगा, वही अगली नस्ल जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसे प्रोड्यूस करवाएगा। ठीक है, किस लिहाज से वो हम लोग अभी देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो जनरेशन है, ठीक है जी, द नेक्स्ट जनरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय विद आउट। ठीक है जी, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद आउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है जी, दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट एंड द नेक्स्ट जनरेशन इज प्रोड्यूस्ड विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो रिप्रोडक्शन की वो टाइप जिसमें सिर्फ एक पेरेंट होगा एट अ टाइम, मेल फीमेल हो सकता है, वही अगली जनरेशन देगा, और जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो बगैर बनाए और फ्यूज किए गैमेट्स के बनती है, यानी कि इसमें ना तो स्पर्म एग बनते हैं ना फ्यूज होते हैं, इसके बगैर ही विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी। अब क्योंकि माइटोसिस हो रही होती है, और अगर हम लोग डिवीजन के लिए ऐसे देखें तो जो माइटोसिस होती है, ठीक है जी, ये हमारे सोमैटिक सेल में भी होती है। ठीक है जी, सोमैटिक सेल वो सेल जो हमारी बॉडी बना रहे होते हैं, ठीक है, उन्हें सोमैटिक सेल्स कहते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी माइटोसिस ही इन्वॉल्व हो रही होती है, लिहाजा हम लोग इसे जो दूसरा नाम देते हैं वो क्या जी, सोमैटोजेनेसिस। ठीक है, माइटोसिस क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है इसलिए इसका सोमैटोजेनेसिस कहते हैं, वजह सोमैटिक सेल में जो डिवीजन होती है उसे भी माइटोसिस के जरिए ही करवाया जाता है। उसके बाद दूसरा, स्पर्म और एग के मिलने के बाद बनता है जायगोट। ठीक है जी, उसके बाद जितनी भी उसके अंदर डिवीजन्स होती हैं वो सारी ही माइटोसिस होती हैं। ठीक है जी, ब्लास्टूला बना, आगे उसकी डिवीजन होगी गैस्टूला, तो ये सारा कुछ क्लीवेज जो हो रही होती है ये माइटोसिस ही हो रही होती है। तो लिहाजा माइटोसिस का जो दूसरा नाम है इसे ब्लास्टोजेनेसिस भी कहते हैं। ठीक है जी, ये दो नाम जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके हैं। सोमैटोजेनेसिस क्यों, सोमैटिक सेल्स के अंदर भी जो डिवीजन होती है वो इसी तरह है, और ब्लास्टोजेनेसिस के ब्लास्टूला गैस्टूला और आगे जितनी भी डिवीजन बनती हैं वो सारी भी माइटोसिस ही हो रही होती है, और उस सब में भी यही प्रोसेस होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम ब्लास्टोजेनेसिस होता है। अब हमने यहाँ पे हेडिंग दी है टाइप्स की, तो इसकी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे मेजर चार जो एनिमल में पाई जाती हैं उसका जिक्र करेंगे। ठीक है, तो एनिमल के लिए ऐसे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चार टाइप्स हैं उसमें सबसे पहले आती है फिशन। ठीक है जी, नंबर टू बडिंग, नंबर थ्री रीजनरेशन, नंबर फोर गैम्यूल फॉर्मेशन। ठीक है जी, एनिमल्स के अंदर मोस्टली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो इन्हीं चार में से किसी एक तरीके से हो रही होती है ऑन द बेस ऑफ टाइप्स ऑफ एनिमल। इसमें क्या जी, फिशन है, बडिंग है, जीव जनरेशन है और गैम्यूल फॉर्मेशन है। आज हम लोग जो बात करेंगे वो ये दो होंगी। ठीक है जी, फिशन और बडिंग, आज के लेक्चर में हम फिशन और बडिंग के ऊपर बात करेंगे। तो फिशन, नॉर्मली फिशन से मुराद होता है ब्रेकडाउन। ठीक है, फिशन से मुराद जैसा कि आप केमिस्ट्री फिजिक्स में न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस पढ़ते हैं कि एक न्यूक्लियस जो हाईली अनस्टेबल होता है वो ब्रेक करके दो स्टेबल न्यूक्लियस में बदल जाता है टूटने के बाद, तो इसी तरह फिशन क्या होगा, इसमें भी वही मुराद है कि ब्रेक करना है, टूटना है। एक ऑर्गेनिज्म का दो या दो से ज्यादा, ठीक है जी, ऑर्गेनिज्म में एक सेल का एट अ टाइम एक या एक से ज्यादा सेल्स में डिवाइड हो जाना, ब्रेक होकर उसमें बदल जाना, इसको हम लोग कहते हैं फिशन रिएक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मोस्ट कॉमन टाइप है फिशन। ठीक है, वो अभी हम लोग जिक्र करते हैं।
इस फिशन की आगे दो टाइप्स होती हैं, एक हम कहते हैं बाइनरी फिशन, ठीक है जी, एक जानदार का एट अ टाइम सिर्फ दो जानदारों में या एक सेल का एक वक्त में दो सेल्स में डिवाइड कर जाना, इसे हम लोग कहते हैं बाइनरी फिशिंग। यहां पे जो मैं सेल कह रहा हूं इससे मुराद है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसा जानदार जो एक सेल के ऊपर कंसिस्ट है उसको हम लोग यहां पे मैं सेल का नाम दे रहा हूं। उसके बाद दूसरी फिशन होती है जिसे हम कहते हैं मल्टीपल फिशन, ठीक है जी। मल्टीपल फिशन क्या जी, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या एक जानदार का एट अ टाइम दो से ज्यादा जानदारों में डिवाइड हो के या जानदारों में डिवाइड हो जाना, ठीक है जी, उसको हम कहते हैं मल्टीपल फिशन। उसके बाद बाइनरी फिशन की आगे भी सब डिविजन्स हैं ऑन द बेस ऑफ एक्सिस ऑफ डिवीजन, ठीक है, वो प्लेन ऑफ डिवीजन और एक्सिस ऑफ डिवीजन किस तरह होके डिवीजन बनती है, ठीक है, एक्सिस और प्लेन का उसमें क्या एंगल है, क्या रेशियो है, उस लिहाज से बाइनरी फिशन की आगे मजीद सब फिशन डिवीजन है जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले। देन उसके बाद बडिंग है, ठीक है जी, ये भी हम लोगों ने जिक्र करना है। उसके बाद रीजनरेशन है, तो जो रीजनरेशन की मोस्ट कॉमन टाइम हम लोग पढ़ते हैं वो है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है जी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रीजनरेशन का प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे कि रीजनरेशन बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करवा रही है, तो वो फिनोमेना जो हम लोग पढ़ेंगे उसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। और गम्यूल फॉर्मेशन, ठीक है जी, ये भी हम पढ़ेंगे जो ट्यूनिकेट्स वगैरह में होती हैं, तो उसके लिहाज से आज के जो लेक्चर होगा उसमें हम लोगों ने ये दो फिशन और बडिंग कंसिडर करनी। तो स्टार्ट करते हैं, जैसा कि फिशन का मतलब, ठीक है जी, फिशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फिशन का मतलब क्या जी, एक ऑर्गेनिज्म या एक यूनिसेल ऑर्गेनिज्म का एट अ टाइम दो में डिवाइड हो जाना, इसे हम लोग कहते हैं फिशन, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन टाइप है, ठीक है जी, फिशन क्या जी, ये मोस्ट कॉमन टाइप है किसकी, ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स बाइनरी सॉरी फिशन के जरिए नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। अब फिशन जैसे कि हमने कहा है, तो इसमें क्या होता है, एक यूनिसेल ऑर्गेनिज्म या एक ऑर्गेनिज्म जिसने फिशन के प्रोसेस के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन बनानी है, वो सबसे पहले फिशन के लिए जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है जी, वो पूरी करता है। कैसे जी, अपनी अगर वो यूकैरियोटिक है, ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, तो अपनी ऑर्गेनेल्स की कॉपियां बनाएगा, डीएनए की कॉपियां बनाएगा, अगर न्यूक्लियस है तो दो न्यूक्लियस बनेंगे, फिर डिवीजन होगी, ठीक है, जो माइटोसिस का एक टिपिकल जनरल माइटोसिस का प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं वो होगा। और इसके अलावा अगर ये प्रोकैरियोटिक है, बैक्टीरिया है, तो इसमें क्या होगा, इसका जो डिस्पर्सल मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में, वो कॉपी बन जाएगा, फिर वो पोल्स पे जाएगा, फिर सेल डिवाइड होगा, ठीक है, नई सेल मेम्ब्रेन बनेगी, तो ये प्रोसेस होता है। तो इसमें फिशन में क्या होता है, एक सेल पहले ग्रो करता है, अपनी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है जो डिवीजन के लिए इसे चाहिए, फिर वो दो नए इंडिविजुअल्स में डिवाइड कर जाता है, दो नए इंडिविजुअल में रिप्रोड्यूस कर जाता है। अब फिशन से हम लोग क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसा कि हमने यहां पे पहले ही कहा है कि फिशन की दो टाइप्स हैं, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बाइनरी फिशन से। ठीक है जी, तो बाइनरी फिशन जैसा कि लफ्ज बाइनरी नाम से ही क्लियर करता है कि ये दो हैं, ठीक है जी, बाइनरी मीन टू और फिशन मीन ब्रेक डाउन या ब्रेक, ठीक है, टूटना। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, बाइनरी फिशन द प्रोसेस इन विच अ इंडिविजुअल ब्रेक इन टू टू, ठीक है जी, ये बाइनरी फिशन की डेफिनेशन है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एक जानदार वो डिवाइड करता है, टूट के किस में बदल जाता है, दो जानदार में, ऐसी डिवीजन को हम लोग कहते हैं बाइनरी फिशन। अब फिशन होती किन किन में, तो बाइनरी फिशन के लिहाज से जो एग्जांपल है ये होती है प्रोटोजोआ में, ठीक है जी, ये होती है मेटाजोआ, ठीक है जी, उसके बाद ये कुछ सिलिएट्स में, ठीक है जी,
इस तरह के जानवरों में हो रही होती है और लोअर इनवर्टिब्रेट्स में ये डिवीजन होती है। अब यहाँ पे बाइनरी फिशन जो हम लोगों ने स्टडी करनी है, ठीक है जी, मेजर बाइनरी फिशन एक, इसकी आगे सब क्लासेस कौन कौन सी हैं तो हम एक एक करके वो स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो इसकी आती है उसके कहते हैं ऑर्थोडॉक्स बाइनरी फिशन, ठीक है जी, ऑर्थोडॉक्स बाइनरी फिशन, पचीदा बाइनरी फिशन। और ये जो डिवीजन्स हम लोग स्टडी करेंगे ये होंगी ऑन द बेस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, के डिवीजन का प्लेन किस तरह का है। तो ऑर्थोडॉक्स बाइनरी फिशन, ठीक है जी, ये ऐसी फिशन है जो कि ज्यादातर अमीबा में होती है, ठीक है जी। ऑर्थोडॉक्स बाइनरी फिशन किस तरह के जानदार में होंगी, ऐसे जानदार जिनकी जो बॉडी फॉर्म है फॉर एग्जाम्पल अमीबा वो इरेगुलर है, ठीक है जी, ऐसे जानदार जिनकी बॉडी क्या जी इरेगुलर बॉडी उनकी होती है, उनके अंदर जो डिवीजन होती है उसे हम लोग कहते हैं ऑर्थोडॉक्स बाइनरी फिशन। इसमें क्या होता है जी, एक अमीबा फर्ज करें, ठीक है जी, अब इसकी डिवीजन से ये जब डिवाइड करेगा तो नेक्स्ट दो अमीबा बनेंगे, ठीक है जी, इसके डिवीजन से क्या होगा, दो अमीबा बनेंगे और दोनों का साइज इक्वल होगा। अब यहां पे जो डिवीजन होती है ऑर्थोडॉक्स बाइनरी फिशन ऐसे कहते हैं, इसमें हमें जो डिवीजन का प्लेन होता है, प्लेन ऑफ डिवीजन है, वो समझ नहीं आ रहा होता। यह डिवीजन इस तरह भी हो सकती है, इस तरह होगी तब भी दो अमीबा बन जाएंगे, ये डिवीजन कुछ इस तरह भी हो सकती है, ठीक है जी, तब भी क्या होगा कि ऐसी डिवीजन नहीं, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये प्लेन ऑफ डिवीजन होगा तब भी दो अमीबा बनेंगे। अच्छा, अगर ये नहीं हो सकती, ठीक है, तो ये प्लेन ऑफ डिवीजन भी हो सकती है। तो इस तरह ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी इरेगुलर हो और उसके अंदर प्लेन ऑफ डिवीजन, ठीक है जी, हमें समझ ना आ रहा हो, ऐसी बाइनरी फिशन को हम लोग ऑर्थोडॉक्स बाइनरी फिशन कहते हैं। ऑर्थोडॉक्स क्यों, क्योंकि पचीदा, और बाइनरी फिशन के एक जानदार दो में डिवाइड कर जाएगा विद द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय यूजिंग प्रोसेस कॉल्ड माइटोसिस। और बाइनरी फिशन में थोड़ा सा डिफरेंस हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि माइटोसिस और बाइनरी फिशन में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा जी, उसके बाद इसकी जो दूसरी टाइप होती है बाइनरी फिशन की, ठीक है जी, बाइनरी फिशन की जो दूसरी टाइप है उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर बाइनरी फिशन। अब ये ट्रांसवर बाइनरी फिशन कौन सी होती है जी, ठीक है, जैसा कि इसमें तो हमने पढ़ा कि ये अमीबा जैसे जानदार में होती है, तो जो ट्रांसवर बाइनरी फिशन होती है ये जिन जानदारों में आती है उसमें सबसे पहले आते हैं जी सिलिएट्स, ठीक है जी, इसके अलावा पॉलीकाइथीस में भी हो सकती है, एनिलीड्स में भी हो सकती है, लेकिन सिलिएट्स की यहाँ पे क्योंकि मैंने एग्जांपल देनी है तो मैंने यहाँ पे सिलिएट्स लिखा है, ठीक है जी, इसके अलावा पॉलीकाइथीस और एनिलीड्स में भी होती है। अब सिलिएट्स में भी जो ज्यादा एग्जांपल मशहूर है वो है पैरामेशियम, ठीक है जी, पैरामेशियम के अंदर जो बाइनरी फिशन होती है, ठीक है, डिवीजन होती है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स। अब ट्रांसवर किसे कहते हैं, कि ट्रांसवर से मुराद होता है, ये फर्ज कर दीजिए किसी जानदार की जो बॉडी प्लेन है वो है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है जी, प्लेन। ट्रांसवर कहते हैं ऐसी जो कि इसके साथ 90 के एंगल पे हो, ठीक है जी, उस डिवीजन को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। अब यहां पर क्या होता है, बेसिकली ये एक ठीक है जी, फर्ज कहते हैं ये एक पैरामेशियम है जिसके अंदर न्यूक्लियस और वैक्यूल मौजूद है, ठीक है। अब क्या होगा, बल्कि न्यूक्लियस नहीं, मैगा और माइक्रो और मैगा न्यूक्लियस को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, वैक्यूल की कंसीडर नहीं करते। अब इसमें इसकी जो बॉडी है वो है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है जी, लॉन्गिट्यूडनल है। अब इसमें जो डिवीजन होती है वो इस तरह होगी कि ये जो बॉडी प्लेन है, बॉडी एक्सिस है, इसके साथ जो डिवीजन ऑफ प्लेन होगी वो बिल्कुल कुछ इस फॉर्म में होगी, ठीक है जी, दोनों में 90 का एंगल होना चाहिए। तो इसलिए ऐसे लॉन्गिट्यूडनल में जो 90 का एंगल बनता है वो कुछ इस तरह है, ठीक है। तो इसी तरह यहां पे भी होगा कि इस जानदार में यहां से इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो ये कुछ इस तरह डिवीजन होती है, ठीक है जी, लॉन्गिट्यूडनल के, और क्योंकि ये बॉडी एक्सिस है तो 90 का एंगल ऑब्वियसली बनता है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक पैरामेशियम ये
दो में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसकी ग्रोथ होगी और ये अपनी शेप चेंज करके अपने अडल्ट फॉर्म या अपने पेरेंटल फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह की डिवीजन जिसमें जो बॉडी की एक्सिस है और डिवीजन ऑफ प्लेन है वो एक दूसरे के 90 के एंगल पे आ रहे हों, ऐसी डिवीजन को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। और ऐसे ही शेप जिसका कोई पता ही ना चल रहा हो कि डिवीजन और बॉडी एक्सिस कैसे है, डिवीजन ऑफ प्लेन कैसे है, तो ऐसी डिवीजन को हम लोग कहते हैं ऑर्थोडॉक्स बाइनरी फिशन। अब इसकी एक और बाइनरी फिशन की भी टाइप होती है जिसे हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, ठीक है जी। तो वो देखते हैं, ठीक है जी। तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, ठीक है जी, नाम से क्लियर है कि जिस जानदार की बाइनरी फिशन होगी वो लंबाई में होगी, लॉन्गिट्यूडनली होगी, ठीक है। उसका बॉडी एक्सिस और उसकी जो डिवीजन ऑफ प्लेन है वो पैरेलल होंगे, सेम पोजीशन पे होंगे। तो ऐसी डिवीजन हमें जिनमें मिलती है उसमें नॉर्मली जो है वो है युगलिना, ठीक है जी। युगलिना के अंदर जो बाइनरी फिशन होती है उसे हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। अब लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन में क्या होगा कि जी फर्स्ट कहते हैं जी एक युगलिना है और ये उसका न्यूक्लियस है, तो इसकी बॉडी लॉन्गिट्यूडनल है, लिहाजा इसके अंदर जो डिवीजन होगी, ठीक है, वो भी अलोंग द पैरेलल ऑफ एक्सिस होगी, जिसकी वजह से क्या होगा जी ये युगलिना की बॉडी कुछ ऐसे बन लेगी, फिर ये जो ग्रूव होगी ये गहरी होती जाएगी, ठीक है जी। फिर ये ग्रूव क्या होगी, ये बिल्कुल इसी तरह गहरी होती जाएगी और एक पॉइंट आएगा जहां पे ये क्या करेगी, युगलिना को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगी, ठीक है। तो क्या होगा, इस तरह लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होती है जिनमें नॉर्मली युगलिना में, इसमें क्या होता है कि जो डिवीजन ऑफ, ठीक है जी, प्लेन ऑफ डिवीजन है वो बॉडी के एक्सिस के पैरेलल होता है, कि लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस है, डिवीजन ऑफ प्लेन भी लॉन्गिट्यूडनल। इसमें जो न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, ठीक है जी, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें जो न्यूक्लियस की डिवीजन होती है वो भी उसी शेप में हो रही होती है, वरना नॉर्मली जब हम लोग माइटोसिस की बात करते हैं तो उसमें न्यूक्लियस की डिवीजन कुछ और तरह से हो रही होती है, ठीक है जी, और जो सेल की साइटोकाइनेसिस होती है वो कुछ और तरह से हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है अलोंग द प्लेन ऑफ डिवीजन और ये डिवाइड हो रहा होता है। अब एक तीसरी टाइप होती है बाइनरी फिशन की, जिसमें पहली दफा डिवीजन के हर एक डिवीजन में बनते दो ही सेल हैं, लेकिन वो सेल सेपरेट नहीं होते बल्कि इकट्ठे ही रहते हैं और एक बंडल की शक्ल में चले जाते हैं, जिसके बाद में, ठीक है जी, उन्हें सेपरेट किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉबिलेशन, ठीक है। लेकिन क्योंकि स्ट्रॉबिलेशन और मल्टीपल फिशन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ जाती है, लिहाजा हम लोग स्ट्रॉबिलेशन का जिक्र नहीं करेंगे। अब हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो होगा फिशन की दूसरी टाइप, जिसे हम लोग कहते हैं मल्टीपल फिशन उसकी। तो अब हम बात करेंगे मल्टीपल फिशन की, ठीक है जी। यहां पर भी फिशन से मुराद ब्रेकडाउन ही है, लेकिन मल्टीपल से मुराद कहता है मोर देन टू, ठीक है, दो या दो से ज्यादा जानदार में डिवाइड होना है, एक ऐसा यूनिसेल ऑर्गेनिज्म एक ही वक्त में दो से ज्यादा जानदार में डिवाइड कर जाए, ऐसी डिवीजन को हम लोग कहते हैं मल्टीपल फिशन। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, जैसा कि ये किन में होती है जी, अमीबा में, ठीक है जी, नॉर्मली। इसके अलावा, लेकिन यहाँ पे हम अमीबा की बात करते हैं, वरना ये कुछ ट्यूनिकेट्स वगैरह में भी हो सकती है, ठीक है, मल्टीपल फिशन। और ये स्पोर जब बनते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्लांट का जिक्र करें, एनिमल्स का जिक्र करें, प्लांट का नहीं, वरना जो स्पोर बनते हैं प्लांट में वो भी तकरीबन इसी प्रोसेस से बन रहे होते हैं। अभी हम जब इसके नाम बताएंगे कि जो सेल बनता है उसका नाम क्या, तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो फर्ज करें जी अमीबा, तो मल्टीपल फिशन में क्या होता है, फर्ज करें एक अमीबा है जिससे
अनफेवरेबल एनवायरनमेंट मिल गया है, ठीक है, जो इसकी बाइंडिंग फिशन के लिए सूटेबल नहीं है। तो अब क्या होगा, ये अमीबा अपने इर्द गिर्द एक दीवार बनाएगा, ठीक है जी, और ये कुछ इस शेप में बदल जाएगा, ठीक है जी। क्या होगा जी, ये अमीबा के इर्द गिर्द, अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में अपने इर्द गिर्द एक दीवार बनाएगा जिसे हम कहते हैं सिस्ट, ठीक है जी। और उसके बाद इसका जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करके एक से दो, फिर दो से चार, फिर इसी तरह इसकी क्या होगी, डिवीजन होती है। न्यूक्लियस क्या होता है, मल्टीपली डिवाइड कर देता है। और ये जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है जी, साइटोप्लाज्म हर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द थोड़ा सा आ जाता है, ठीक है जी। तो क्या हुआ जी, एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस मल्टीपली डिवाइड हुआ है, बहुत ज्यादा दफा, एक से दो, दो से चार, सोलह, ठीक है जी, इस तरह डिवाइड होता रहे, और थोड़ा सा साइटोप्लाज्म का मास उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आ जाएगा। जैसे ही फेवरेबल इन्वायरमेंट होगा, ये सिस्ट रप्चर होती है और ये जो साइटोप्लाज्म में या स्मॉल साइटोप्लाज्म कंटेनिंग सेल्स होंगे, ठीक है जी, इन्हें सेल्स भी कहते हैं क्योंकि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों में, तो ये जो सेल्स रिलीज होंगे जब सिस्ट रप्चर हो जाती है, तो इन सेल्स को, ठीक है जी, ये भी उन्हीं सेल्स की तरह होते हैं, लेकिन बाइंडरी फिशन और मल्टीपल फिशन में जो मेजर डिफरेंस होता है, बाइंडरी फिशन में एक जानदार दो हिस्सों में डिवाइड होता है, दोनों का साइज इक्वल होगा। मल्टीपल फिशन में जो जानदार एक ही था, डिवाइड होगा, लेकिन जो सेल्स बनेंगे उनका साइज इक्वल नहीं होता। और इन सेल्स को हम लोग कहते हैं शीजोगोंट, ठीक है जी, इसी से मल्टीपल फिशन का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं शीजोगैमी, वो निकला है। इसके अलावा इसे हम लोग गैमोंट कहते हैं, और ये दो नाम जो स्पेसिफिकली टर्म है ये एनिमल्स के लिए यूज होते हैं। और अगर यही कंडीशन किसी प्लांट की स्पोरेंजिया में हो रहा होता है बेसिकली, ठीक है जी, तो इन्हीं को हम लोग स्पोर्स का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह एक जानदार ऑन द बेस ऑफ देयर एनवायरनमेंट, ऑन द बेस ऑफ देयर नीड, अपनी बाइनरी फिशन को मल्टीपल फिशन में ला सकता है, लेकिन ऐसा नॉर्मली कम होता है। एक जानदार बाइनरी फिशन परफॉर्म करता है तो वो नॉर्मली बाइनरी फिशन ही परफॉर्म करता है, मल्टीपल फिशन नहीं करेगा, और जो जानदार मल्टीपल फिशन करता है वो बाइनरी फिशन नहीं करेगा। अब हमारी फिशन का टॉपिक क्लियर होता है, जिसमें हमने फिशन और उसकी टाइप्स पढ़ ली थी। आज के लेक्चर की वीडियो का जो दूसरा टॉपिक है वो है बडिंग, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एनिमल्स के अंदर जो दूसरी टाइप है जिससे वो अपनी डिवीजन करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बडिंग। अब बडिंग की डेफिनेशन क्या जी, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एन आउटग्रोथ, ठीक है जी, रिप्रोडक्शन की ऐसी टाइप है जिसमें एक आउटग्रोथ बनती है ऑन द ऑर्गेनिज्म बॉडी सरफेस, ठीक है जी। बडिंग क्या जी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ऐसी टाइप है जिसमें एक जानदार के जिस्म पे आउटग्रोथ बनेगी, उसके जिस्म की सरफेस पे, अंदर नहीं बनेगी, ठीक है जी। और क्या होगा, एंड कन्वर्ट इनटू इंडिविजुअल, और वो बाद में किस में बदल जाती है, एक पूरे के पूरे इंडिविजुअल में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है जी। तो ऐसी डिवीजन को हम लोग कहते हैं बडिंग। अब बडिंग किन में होती है, नॉर्मली जी ये हो रही होती है हाइड्रा में, ये हो रही होती है यीस्ट में, ठीक है जी, इसके अलावा कोरल्स में, ठीक है जी, इनमें जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग बडिंग कहते हैं। अब यहां पे हम लोग यीस्ट की मिसाल लेते हैं कि सबसे पहले फर्ज कहते हैं ये एक यीस्ट है,
और ये उसका न्यूक्लियस है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है, इसके जिस्म के ऊपर क्या होता है, एक बड बनता है, ठीक है जी। इस बड एक क्या बना, बड। और जो पेरेंट की बॉडी होगी वो इस बड को स्पोर्ड कर रही होगी, ठीक है। पेरेंट की बॉडी क्या कर रही होगी, इस बड को सपोर्ट कर रही होगी, यानी कि इसकी जो प्रोसेस है, इसके इस कंप्लीटेशन ऑफ लाइफ साइकिल है वो ये सपोर्ट कर रही होगी करवाने। जैसे जैसे ये बड की क्या होगी जी, साइज में इजाफा होगा, न्यूक्लियस एक से दो में डिवाइड हो चुका होगा, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होगा, एक से दो में डिवाइड होगा, इनमें से एक न्यूक्लियस इस बड में आ जाएगा, ठीक है। इनमें से एक न्यूक्लियस क्या होगा, इस बड में आ जाएगा, और उसके बाद ये वाले हिस्से फ्यूज होना शुरू होते हैं, फिर और एट द एंड कुछ इस तरह होता है, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है जी, एक जानदार के जिस्म पे उभार बना, जिसे आप आउटग्रोथ या बड कहते हो, ठीक है जी। ये जो बड बनने का प्रोसेस होता है इसे हम लोग ब्लास्टोजेनेसिस भी कहते हैं, जो आपको वीडियो के स्टार्ट पे याद होगा कि हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ब्लास्टोजेनेसिस भी कहा था, ठीक है। देन ये आउटग्रोथ को बॉडी ने सपोर्ट किया, पेरेंटल बॉडी ने, इसके साइज में इजाफा हो गया, न्यूक्लियस की डिवीजन हुई, दो न्यूक्लियस बने, एक न्यूक्लियस बॉडी में रहा, एक न्यूक्लियस बड में चला गया, फिर क्या हुआ जी, जो हम लोग आप इसे साइटोकाइनेसिस कह सकते हैं एक टाइप में हो, ठीक है जी। कि लेकिन क्योंकि ये बाइनरी फिशन है तो माइटोसिस के प्रोसेस हम लोग नहीं कहते इसमें होते, तो आप ये समझ सकते हैं कि इसकी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो बड की फ्यूज हुई और ये बड अलहदा हो गया। अब इस बड की जो बड तो बन गया, न्यूक्लियस चला गया, ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गया, उसके बाद ये जो अटैचमेंट और डिटैचमेंट होती है ये डिपेंड करती है। कुछ जानदारों में फॉर एग्जांपल जैसा कि यीस्ट में बड अलहदा होकर एक नया जानदार बन जाता है, लेकिन अगर हम लोग यही बात करते हैं हाइड्रा की, ठीक है जी, हाइड्रा के जिस्म के ऊपर क्या होता है, एक बड बनता है, ठीक है जी। उसके बाद इस बड की क्या होती है, ग्रोथ होती है और ये बड भी एक नए हाइड्रा में बदल जाता है। तो इन दोनों कंडीशन में जो बड से एक नया इंडिविजुअल बना है वो पेरेंटल बॉडी के साथ जुड़ा भी रह सकता है, वो पेरेंटल बॉडी के साथ डिटैच भी हो सकता है। इन दोनों कंडीशन में हमें जुड़ी फॉर्म में भी मिलते हैं कि जी वो कंबाइंड ही है, बड पेरेंटल बॉडी के साथ अटैच ही है, लेकिन और सेपरेट भी होते हैं। कोरल्स के अंदर क्या होता है, जब भी बडिंग हुई है, ठीक है जी, जो नेक्स्ट इंडिविजुअल बना है वो पेरेंटल बॉडी के साथ अटैच ही रहता है, वो डिटैच नहीं होता। और बाइनरी फिशन और बडिंग में जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है वो क्या जी, बडिंग के दौरान जो एक जानदार दो में डिवाइड होता है, एक स्मॉल साइज का होता है, दूसरा लार्ज साइज का, जबकि बाइनरी फिशन में एक जानदार दो इक्वल साइज इंडिविजुअल में डिवाइड होता है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, इसके मतलब अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इसके मतलब अगर आपको मटेरियल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन